गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे, डे टू ऑफ प्राण प्रतिष्ठा। तो आज सेकेंड डे है और रात में हमने धूप ध्यान किया, उसके बाद अभी फूल वास किया जाएगा और फिर उसके बाद शायद और भी बहुत सारी चीजें हैं। दो या तीन स्टेप आज हैं, आज फल वास होगा, फूल वास होगा और एक और वास होगा जिसका नाम अभी मुझे नहीं पता है, बिकॉज हमने कल जो जो पूछा था, मतलब जितना पता था आप लोगों को सभी बता दिया है। और अभी हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, अभी हमको उठना था 6 बजे, बट हम लोग रात में बहुत लेट सोए थे तो लगभग 9-9:30 बजे नींद खुली है हमारी। मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, अब थोड़ी देर में बस वहाँ जाऊँगा चाय पीने के बाद। तो ये अभी खाने का भी प्रोग्राम जो है आज का, जो मतलब प्रसाद है, वो बनना चालू हो चुका है वहाँ पे। सभी लोग 6 बजे से उठ के लगे हुए हैं और अपन लेट सो के उठ रहे हैं। मैं फटाफट चाय पीता हूँ और उसके बाद वहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ की सिचुएशन बताता हूँ आप लोगों को, क्या क्या काम हो चुका है, क्या हो रहा है। ये कल वाला डेकोरेशन कुछ ऐसा दिख रहा है और ये दर्शन कर लीजिए आप सब। यहाँ भी तो अभी जो है यज्ञ होने वाला है और जो प्रतिष्ठान होंगे उसकी तैयारी यहाँ पे चलेगी सारी। फुग्गे का गेट बन रहा है तो हवन कुंड बनाया जा रहा है और ये सारे फूल, जैसे मैंने बताया आपको, फूल वास के लिए फूल आ चुके हैं, ये सारी सामग्री यहाँ तैयार है और ये हवन कुंड की तैयारी चल रही है। कल यहाँ पूजा में बैठे थे अति सिंह, जो जो यहाँ नाम बता रहे हैं वे अति सिंह यहाँ बता रहे हैं। कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, आदरणीय पंडित जी पधार चुके हैं। अति सिंह ने अपनी एक पूजा की थाली और एक जल का लोटा जो कल लेकर गए थे भर के वापस लेके साथ में आना है। अति शीघ्र पधारे ताकि आज का कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारंभ हो। तो भाई ये प्रसाद बनाने की तैयारियां चल रही है यहाँ पे। ये असली घी में बनाई जा रही है बूंदी। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 H
नम गणपते नम स्वाहा ओम हेरंबराय नम स्वाहा ओम निर्विशाले नम स्वाहा सत्य रूपाय नम स्वाहा सनातनाय नम स्वाहा रामेश्वराय नम स्वाहा राम पूजिताय नम स्वाहा रघुनाथ वरप्रदात्रेय नम स्वाहा महाविष्णु पूजिताय नम स्वाहा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति तो गाइस अनुष्ठान पूरा कंप्लीट हो चुका है और जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रोसेस थी वो हो चुकी है। सारी मूर्तियां यहाँ विराजमान हो चुकी है। मैं कैमरा टर्न करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी मूर्तियां यहाँ विराजमान हो चुकी हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं श्रृंगार के लिए हमारे जो भैया हैं दीपक भैया जी ये आ चुके हैं। हर साल यही करते हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था। तो आज श्रृंगार होगा भोले बाबा का और ये सब अभी नाश्ता हो रहा है। जो प्रसाद में खिचड़ी बनी थी वो खिचड़ी सभी लोग खा रहे हैं और मैं चाय का सेवन कर रहा हूँ अभी। ये फूल रखे हैं यहाँ पे सजाने के लिए और वहाँ पे सारा मतलब पंडित जी और सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो श्रृंगार होने वाला है वो सबसे अलग होने वाला है क्योंकि अभी पहले जलाधारी यहाँ लगी हुई नहीं थी और आज लग रही है। आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कि जलाधारी नहीं थी, अभी जलाधारी लग चुकी है और अब होगा श्रृंगार। तो सबको मजा आएगा आज। और अभी वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज रिमाइंड करवाना पड़ती है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो यार, तो प्लीज टाइम टू टाइम सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को जो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सभी लोग हैं, अभी शाम को प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है तो उसमें भी आप सभी को हिस्सा बनना है मेरे साथ इस चीज का, इस भव्य समारोह का। आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए मुझे। ऐसा श्रृंगार हुआ है महादेव का, ये भोग लग चुका है यहाँ पे प्रसादी राम सब्जी पूरी और नुक्ति ये यहाँ पे
यहाँ पे हमारे राज भैया जला रहे हैं धूप बत्ती, ये दिया भी जल चुका है यहाँ पे, और ये गूगल की धुनी दी जा रही बाबा को। ये सारी मूर्तियां हैं विराजमान। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं अपने अपने कामों में, और अभी उस फंक्शन से आज का मतलब लगभग एक हफ्ते का हिसाब हो चुका है, और आज राखी का दिन है। ये देखिए सारी राखियाँ बंधी हुई है। तो इस दिन मैं वीडियो का एंड शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत व्यस्त हो गया था। उसके बाद मैं कुछ ऑफिस के चक्कर में थोड़ा बिजी था, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया। अभी दो दिन पहले ही मैंने फर्स्ट पार्ट एडिट करके डाला है, सेकेंड पार्ट में कल पक्के में मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं चाहता हूँ हमारा जो ये छोटा सा परिवार है 1.2K सब्सक्राइबर का, वो जल्दी जल्दी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाए। और मैं इस साल का मेरा रिजोल्यूशन है कि एटलीस्ट 2000 सब्सक्राइबर हम लोगों को कवर अप करने हैं। तो प्लीज़ फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।